नमस्कार दोस्तों, जोमैटो की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप जोमैटो के डिलीवरी राइडर हैं तो आप अपने जोमैटो के डिलीवरी एप्लीकेशन से टिकट कैसे अरेंज करोगे, सही टाइम क्या है टिकट अरेंज करने का, और दोस्तों आप टिकट क्यों अरेंज करोगे सबसे पहले ये जान लीजिए। मान लीजिए अगर आपका कोई भी इशू है, लाइक जोमैटो के पे आउट से इशू है, या फिर आपको किसी ऑर्डर के पैसे नहीं मिले हैं, या फिर आप ये कह लीजिए आप अपनी आईडी को, यानी अगर आपका पार्ट टाइम उसे फुल टाइम में चेंज कराना चाहते हैं, साइकिल की आईडी को आप बाइक की आईडी बनाना चाहते हैं, यानी कोई भी इशू है आपका, तो उस रीज़न से आप अपने टिकट अरेंज कर सकते हैं डिवली एप्लीकेशन से। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, जो आपका प्रॉब्लम है इशू है वो आपका 48 घंटों में ठीक हो जाता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप जोमैटो डिवली एप्लीकेशन में टिकट कैसे अरेंज करोगे, क्या तरीका है और सही टाइम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में जोमैटो की डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन नाउ यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जो भी आपकी जोमैटो आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, यानी कि आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर गो ऑनलाइन पे क्लिक करना है, अगर आप लोकेशन में हो जोमैटो की। अगर आप अपने घर पे हो, आउटसाइड में हो, तो आप यहाँ पर स्टे ऑफलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर स्टे ऑफलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको हेल्प सेंटर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी आपका इशू होता है, यही वो इशू है जो आपके सामने इंटरफेस होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट ऑर्डर रिलेटेड इशू, पे आउट इशू, ऐप इशू, या फिर प्रोफाइल में इशू है, कोई कैश डिपॉजिट इशू है, या फिर मास्क रिम्बर्समेंट की इशू है, अदर, यानी सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो भी आपके सामने इंटरफेस होती है प्रॉब्लम। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपका कोई इशू है, मान लीजिए आपका कैश का इशू है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने जो भी कैश डिपॉजिट कराया है, या फिर पेटीएम से, गूगल पे से, या फिर एटीएम कार्ड से, मान लीजिए आपने 500 रुपये पे कराए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, और वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो आपका फील्ड हो चुका है, तो आप क्या करें, उसका एक इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिए अपने मोबाइल में, जिस प्रकार से आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया जाता है। लेने के बाद दोस्तों आपको करना बैक करना है, या फिर अगर आपको कोई भी यानी बिल यहाँ पर सबमिट कराना है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन नया यहाँ पर आया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आपको अगर आप बिल यहाँ पर सबमिट कराते हो, तो यहाँ पर आपको कंपनी जो आपको मास्क के पैसे देगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी आपको बिल मिला है उसका एक अच्छा सा, एक क्लियर सा आपको एक पिक आपको क्लिक कर लेना है, इसी प्रकार से बिल्कुल अच्छा डिटेल से। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपको सबसे पहले टिकट अरेंज करने से पहले आपको या तो स्क्रीनशॉट आपको सबमिट कराना पड़ता है, या फिर आपको बिल की जो फ़ोटो होती है वो आपको यहाँ पर आपको अटैच करनी होती है। मान लीजिए हम इस ऑप्शन से बिल की फ़ोटो यहाँ पर अटैच करेंगे और टिकट यहाँ पर अरेंज करेंगे, तो सेम प्रोसेस सभी में। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ ट्राई दिस इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि अगर आप कोई भी मास्क परचेज कर सकते हो, साथ में उसका बिल लेते हो, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये मिल जाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि आपको जो अमाउंट है वो आपको 14 दिन के अंदर आपको मिलेगा आपके पे आउट के साथ। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोलना है थैंक यू, यानी कि ये आपको जो फीचर है ये आपको अच्छा लगा, आपको यहाँ पर यस थैंक यू। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टिकट अरेंज का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको लिखना है कि आपका क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर मास्क परचेज किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर आई हैव परचेज मास्क, प्लीज़ फाइंड माई मास्क बिल एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू। उसके बाद अपलोड स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको यहाँ पर इशू का स्क्रीनशॉट लेना होगा, या फिर आपके पास जो बिल मिला है जैसे कि, वो आपको यहाँ पर फोटो क्लिक करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अपलोड स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने जो आपकी गैलरी है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट वन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आपकी गैलरी में आ जाओगे। सबसे पहले जो भी आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, या फिर आपने जो भी पिक यहाँ पर क्लिक किया है, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो पिक यहाँ पर लग जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर हमने लगा दिया, या फिर यहाँ पर हमने वो बिल अपलोड कर दिया। अगर वो नहीं हुआ, गलती से कोई और हो चुका है, तो आप यहाँ पर री अपलोड पर क्लिक करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट का, सबसे पहले आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों आपकी जो टिकट है वो आपकी अरेज हो जाएगी और आपको 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा जोमेटो टीम से कि आपकी जो टिकट है वो अरेज हुई है या नहीं, और आपको उसका आंसर मिलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुका है या फिर नहीं। देन उसके बाद दोस्तों जो आपने टिकट अरेज की थी, आपके सामने मैंने भी वो टिकट अरेज की है, तो यहाँ पर हमें जोमेटो की तरफ से यहाँ पर लिखा आ चुका है कि नेफ्ट फ्रॉम जोमेटो, जैसे आप देख रहे हैं कि हमें जो पेमेंट है वो मिल चुकी है। यानी अगर आप कोई भी इश्यू अगर आपका है, अगर आप उसे टिकट अरेज करते हो, तो आपकी पूरी हेल्प की जाती है जोमेटो की टीम की तरफ से। और दोस्तों आप हमेशा याद रखें, जब भी आप जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन से टिकट अरेज करते हैं, चाहे आप फुल टाइम डिलीवरी कर रहे हो या फिर आप पार्ट टाइम डिलीवरी कर रहे हो, दिन में 1 बजे से पहले आप जोमेटो की डिलीवरी एप्लीकेशन से टिकट अरेज करें। इससे कि दोस्तों क्या होता है कि जो आपने टिकट अरेज की है, जोमेटो टीम उसको रिसोल्व कर देती है काफ़ी मिनटों या घंटों के हिसाब से, यानी आपको जल्दी से उसका आंसर मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर इसी तरह की टेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।